सो चलिए, ये जो टीजीटी हिस्ट्री का जो हमारा टॉपिक था बुद्धिज्म, ठीक है, वहां से स्टार्ट करते हैं इनके एमसीक्यू। ठीक है, एमसीक्यू हम बुद्धिज्म और जैनिज्म ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज जो मोस्टली जो हमारे एमसीक्यूज होने जा रहे हैं वो बुद्धिज्म और जैनिज्म के होंगे। ठीक है, अगर और भी किसी लोगों को टीजीटी या पीजीटी की हिस्ट्री की क्लासेस के लिए कॉन्टैक्ट करना तो इस नंबर में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, एक एक करके आप आंसर करते जाइएगा, ठीक है, एक एक करके। तो ट्राई टू बी वेरी वेरी इंटरेक्टिव इन दिस क्लास। विच इज द फर्स्ट बुक दैट डिस्क्राइब द लाइफ कैरेक्टर ऑफ महात्मा बुद्धा। ठीक है, महात्मा बुद्धा के लाइफ कैरेक्टर के बारे में कौन सी जो किताब है वो डिस्क्राइब करती है फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ महात्मा बुद्धा। यस, बताएंगे कौन? बेटर, ठीक है, ललित विस्तारा, अभिदम्य पटिका, मिली पांडु एंड बुद्ध चरित्रम। ठीक है, कौन सी बुक है जो महात्मा बुद्ध के कैरेक्टर के बारे में डिस्क्राइब करती है? यस प्लीज आंसर करेंगे। ऑप्शन भी है क्या? यस सेकंड वन। और कौन बोल सकता, और कोई बोलेगा कौन सा सर इसका तो डिस्क्राइब? आइडिया नहीं है। ठीक है, देखा था हमने बुद्ध चरित्रम, ठीक है, ये डिस्क्राइब करेगी आपके महात्मा बुद्ध के ये लाइफ करेक्टर के बारे में। इसको बाद में हम ये पीपीटी शेयर कर देंगे। ठीक, देखिए अब इसको हमने इसमें डिटेल में भी देख दिया है, थोड़ा सा इसका डिटेल। बुद्ध चरित्रम इज द फर्स्ट बुक दैट डिस्क्राइब द लाइफ करेक्टर ऑफ द महात्मा बुद्धा। ठीक है, अश्व घोषा कंपोज दिस टेक्स्ट। तो ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी बन गया, ठीक है, इस टेक्स्ट को किसने कंपोज किया है? तो इस आदमी ने इस टेक्स्ट को कंपोज किया, अश्व घोषा कंपोज दिस टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन से हमारे दो क्वेश्चन समझ में आए कैसे एमसीक्यूज बन सकते हैं। ठीक है, समझे? हेलो, हाँ यस, यस सर। है ना, एक से तो मींस कि ये बुद्ध चरित्रम बुक किसने कंपोज किया, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और पहली बुक जो महात्मा बुद्ध के कैरेक्टर को डिस्क्राइब कर रही है दैट इज बुद्ध चरित्रम, और किसने कंपोज किया, तो इट वॉज कंपोज बाई दिस मैन। ठीक है, अशोक भूषण। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इन विच ऑफ दीज साइट गौतम बुद्धा वॉज बॉर्न। ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, है ना, अब इसको तो आप कर ही लोगे, मतलब ऐसे टाइप के क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध कहाँ बॉर्न हुए? यस यस, बोध सर गया डी है, ऑप्शन डी बोध गया, कुशीनगर, सारनाथ, लुम्बिनी। यस, और कोई बोलेगा? सर डी। डी, लुम्बिनी। वेयर लुम्बिनी, कहाँ पे है, कौन से किस जगह पे है लुम्बिनी अभी? यस, लुम्बिनी कहाँ पे? देखो, अरे यूपी सर। क्या लिखा है, लुम्बिनी, लुम्बिनी क्या है, इट इज इन नेपाल। ठीक है, लुम्बिनी इज इन नेपाल। देखिए अब लुम्बिनी के बारे में डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा लिखा हुआ, लुम्बिनी सिद्धार्थ गौतम। ठीक है, क्या नाम था इनका? सिद्धार्थ गौतम। ठीक है, इसको इनको बोलते हैं लॉर्ड बुद्ध, बॉर्न इज अराउंड 623 BC, द फेमस गार्डन्स ऑफ द लुम्बिनी विच सून बिकम अ पिलग्रिमेज। ठीक है, इनके बाद ये एक रिलीजियस साइट बन गया। अमंग द पिलग्रिम्स इंडियन एम्परर अशोका, अशोका के बारे में हम लोग ने पढ़ा था ना, मौर्यन एम्परर में अशोका ने बुद्धिज्म एम्परर को बहुत प्रीच किया। वो इरेक्टेड हिज कॉमेमोरेटिव इंस्क्राइब्ड अशोकन पिलर देयर। अशोकन पिलर भी उन्होंने बनाया बिकॉज अशोका इज अ वेरी प्रीचर ऑफ द बुद्धिज्म, बुद्धिज्म को बहुत प्रमोट करते थे अशोका। ठीक है, अशोका पिलर विद पाली इंस्क्रिप्शन। बुद्धिस्ट लैंग्वेज ज्यादातर कौन किस में लिखी हुई है, जो इंस्क्रिप्शन कौन सी लैंग्वेज में? पाली लैंग्वेज में लिखी हुई है, एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट का यूज किया है फाउंड इन प्लेस। ठीक है, और अशोका ने इस जगह को एग्जेम्प्ट किया था टैक्स से भी। ठीक है, बिकॉज अशोक मौर्य जब मौर्यन पीरियड पढ़े थे तो दी अशोक दी ग्रेट के बारे में पढ़े थे, तो अशोक बुद्धिज्म का बहुत बड़ा प्रीचर था, एंड ही हैज एग्जेम्प्टेड द टैक्स फ्रॉम दिस एरिया लुम्बिनी बिकॉज ऑफ द बर्थ प्लेस ऑफ द गौतम बुद्ध। वेयर इट इज लोकेटेड? इट इज लोकेटेड इन प्रेजेंटली नेपाल। कहाँ पे लोकेटेड है? इट इज इन नेपाल। क्लियर हुए यहाँ तक? यस या नो? यस या नो? यस सर। ओके, ठीक यस है, सर। चलिए नेक्स्ट देखिए, गौतम बुद्धा बिलोंग टू विच क्लैन? ठीक है, क्लैन समझते हैं आप, यहाँ भी होता है ना क्लैन, क्लैन सिस्टम समझते हैं। सो गौतम बुद्धा कौन से क्लैन से बिलोंग करते थे? यस, कुरु, शाक्य, मौर्य, ग्रंथिका। कौन से क्लैन से बिलोंग करते थे? यस, कौन आंसर करेगा?
सर ये तो सच या क्षत्रिय फेक क्लैन है? से किससे? बिलोंग करता था ना कौन से क्लैन से सर। बिलोंग यस करते? या नहीं? यस लिखा मैंने। कौन से क्लैन से बिलोंग करते थे? सर भी क्षत्रिय क्लैन ना, नहीं, क्षत्रिय 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 तो क्लैन। वर्ण सिस्टम में है, ये शाक के क्लैन से, तो इधर हाँ क्षत्रिय तो ऑप्शन में नहीं है ना, तो इसीलिए गौतम बुद्ध को एक और नाम से डालते थे, शाक्य मुनि के नाम से भी हम गौतम बुद्ध को जानते थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो? शाक्य मुनि, गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि के नाम से जानते थे, एंड ही इज फ्रॉम शाक्य क्लैन। कौन से क्लैन से? शाक्य क्लैन से। गुड, यहाँ तक क्लियर हो? आगे देखिए, अब देखिए ये इसका डिस्क्रिप्शन भी देखिए। शाक वाज एन एंशियंट ट्राइब, ठीक है, जनपद ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन द फर्स्ट मिलीनियम बीसी। इन द बुद्धिस्ट टेक्स्ट द शाक इनहैबिटेंट्स ऑफ द शाक जनपदा मेंशनड इन अ क्षत्रिय क्लैन। ठीक है, आपने भी सही बोला, क्षत्रिय, तो क्षत्रिय यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो शाक क्लैन के नाम से जानेंगे। और गौतमा गोत्र, इनका जो गोत्र था वो गौतमा था। एंड फेमस ऑफ द शाक द फेमस शाक वाज द गौतम बुद्धा, ए मेंबर ऑफ रूलिंग गौतम क्लैन ऑफ लुम्बिनी। ठीक है, और ही इज ऑल्सो नोन एज, ये देखिए लिखा है, क्या लिखा है, क्या लिखा है, शाक्य मुनि। ठीक है, गौतम बुद्ध को किस नाम से जानते थे हम? शाक्य मुनि के नाम से जानते थे। ठीक है, बुद्धा सेजेस ऑफ द शाक्य ड्यू टू हिज एसोसिएशन विद द एंशियंट किंगडम। ठीक है, पुराना मेंशन द शाक्य किंग और ये डायनेस्टी में। तो ये देखिए, एक मतलब एक एमसीक्यू से आप दो तीन जब उसका आंसर पढ़ते हो तो उससे दो तीन एमसीक्यू बन सकते हैं। ठीक है, पूरे 100% एमसीक्यू तो कभी नहीं हो पाएंगे, बट आप खुद से भी ट्राई करिए कि एक एमसीक्यू से दो तीन एमसीक्यू कैसे बन जाते हैं, ये चीजें समझने की कोशिश करिए। यहीं पे दूसरा क्वेश्चन बन रहा था, हु इज नोन एज शाक्य मुनि, किसको बोलते हैं? गौतम बुद्ध नाम दे दिया, महावीरा दे दिया, एक दो चाणक्य दे दिया, एक दो आम नाम दे दिया, तो आपने पढ़ा शाक्य क्लैन से थे, तो इसीलिए इनको हम क्या शाक्य मुनि के नाम से जानते थे। चलिए आगे देखिए, ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर गौतम बुद्धा अटेंड अ एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट या इनको कहाँ पे हुआ? गंगा, कौन सा आंसर? गंगा, पुनपुन, गंडक, निरंजना। यस आंसर करेंगे, गंगा, पुनपुन, गंडक एंड निरंजना। यस कौन आंसर करेगा? देख तो नहीं लिया है, कौन आंसर करेगा? गंगा, पुनपुन, गंगा रिवर कहाँ पे है? ड्रेनेज सिस्टम आप पढ़े हैं। पुनपुन रिवर कहाँ पे है? गंडक कहाँ है? निरंजना कहाँ है? यस, हु विल आंसर दिस क्वेश्चन प्लीज? कौन आंसर करेगा? हेलो, सर्दी डी, वेरी यस गुड, पढ़ा है ना आपने, पढ़ाया था ना, जो क्लास भी अटेंड किया है, सर्दी। निरंजना। ठीक है ना, बताया था मैंने, निरंजना है, वेरी गुड वेरी गुड, निरंजना रिवर। ठीक है, अब देखिए इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन है। निरंजना, गौतम बुद्ध अटेन एनलाइटमेंट ऑन द बैंक ऑफ रिवर रिवर निरंजना। निरंजना कहाँ पे है, कौन से स्टेट में है, बताएंगे, ये बताइए आप, होमवर्क है। ही अटेन्ड द एनलाइटमेंट ऑन द नाइट ऑफ पूर्णिमा। पूर्णिमा मीन्स कि जब पूरा चांद होगा। वाइल सिटिंग सिटिंग नियर द पीपल ट्री, द स्टेट ऑफ समाधि। समाधि मीन्स कि ऐसी मुद्रा में, ऐसे पोस्चर में बैठे थे जब वो मेडिटेशन कर रहे हैं। दिस ट्री इज पॉपुलरली नोन एज बोधि ट्री। ठीक है, आज भी उस ट्री को हम किस ट्री के नाम से जानते हैं? बोधि ट्री के नाम से जानते हैं। यहाँ तक क्लियर है? हो रहे हैं आपसे एमसीक्यू क्लास अटेंड करने के बाद, एमसीक्यू हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? यस या नो प्लीज बोलिए। यस, यस सर। ओके ओके, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, देखिए, आम्रपाली वाज अ डांसर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गौतम बुद्धा। ठीक है, आम्रपाली का नाम सुना है? सुना है? नहीं सुना तो सुन लो। आम्रपाली वाज अ डांसर ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ गौतम बुद्धा। सी बिलोंग्स टू विच सिटी, कौन सी सिटी से? गया, 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 वैशाली, पाटलिपुत्र, कन्नौज। ठीक है, गया, वैशाली, पाटलिपुत्र, कन्नौज, कौन से सिटी से आम्रपाली बिलोंग करती है? द आंसर, गया। गया कहाँ पे है? गया इज इन विच स्टेट? बिहार। वैशाली कहाँ पे है? बिहार। पाटलिपुत्र कहाँ पे है? यस, पाटलिपुत्र कहाँ पे है? यस प्लीज, जनरल नॉलेज भी तो थोड़ा होना आना होगा ना। पाटलिपुत्र भी आपका बिहार में है। पाटलिपुत्र भी आपका कहाँ पे? बिहार में। कन्नौज, कन्नौज, वेयर कन्नौज इज लोकेटेड? कन्नौज इज इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे
सेंट या कह लो परफ्यूम, सिटी ऑफ परफ्यूम्स के नाम से कन्नौज को जानते हैं, ठीक, कन्नौज इन उत्तर प्रदेश। तो व्हाट विल बी करेक्ट आंसर, आम्रपाली कहाँ से बिलोंग करती थी? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन आम्रपाली कहाँ से बिलोंग करती थी? ऑप्शन बी होगा क्या शायद, ऑप्शन बी होगा क्या शायद, शायद नहीं राइटिंग होगा। ए सर, ए गया ए है, बी वैशाली है, बी पाटलिपुत्र है, सी कन्नौज है। दी करेक्ट आंसर इज वैशाली, ठीक है। दी आम्रपाली बिलोंग फ्रॉम वैशाली, पाली वैशाली करके आप याद करके रख लीजिए, आम्र आम्रपाली, ठीक है। सी इज फ्रॉम कहाँ, वैशाली, एक कहीं ना कहीं सिनोनिम वो ऐसा बन रहा है, पाली वैशाली करके आप याद कर लो उसको, आम्रपाली फ्रॉम वैशाली, ठीक, आम्रपाली बिलोंग टू वैशाली, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्ट बिलीव्स दैट द गौतम बुद्धा वाज प्रिसीडेड बाय सिक्स बुद्धास, ठीक है। गौतम बुद्ध लास्ट में पढ़े थे हम, जनरली सेक्ट में डिवाइड हुआ था, हीनयान, महायान, वज्रयान, डिफरेंट सेक्ट में गौतम बुद्ध डिवाइड हो गया था। कौन सा सेक्ट बिलीव करता है कि गौतम बुद्ध वाज प्रिसीडेड बाय द सिक्स बुद्धास, हीनयान, महायान, महासंगीज, श्रावस्तीन, कौन सा शाक्य, कौन सा, सॉरी, ये चारों में से कौन सा बिलीव करता है कि गौतम बुद्ध बिलोंग्स टू दैट सिक्स प्रेसिडेड बाय सिक्स बुद्धास, ठीक है। सो दिस का करेक्ट आंसर यस, कोई बोलेगा यस, करेक्ट आंसर बोलेगा प्लीज। श्रावस्तीन, महासंगिकास, महायान, हीनयान, कौन सा करेक्ट आंसर है? यस प्लीज, कौन बोलेगा? नबाम, द करेक्ट आंसर इज मेन है क्या? एग्जाम था, मेन एग्जाम तो बायोलॉजी करेक्ट आंसर क्या है? महायान, महायान सेक्टर का करेक्ट आंसर, ठीक है, महायान सेक्टर का करेक्ट आंसर, ठीक है, ओके। काफी सारे एमसीक्यूज हम आपको और भी शेयर कर देंगे, महायान इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देख देखिए, ये देखिए महायान, इट इज हेल्ड एट गौतम बुद्ध वाज प्रीसीडेड बाय सिक्स बुद्धा, ठीक है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल आंसर है, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर इज महायान, ठीक, इसको आप डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। नेक्स्ट देखिए, द बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सर्मन नोन एज टर्निंग ऑफ द व्हील एट, टर्निंग ऑफ द व्हील एट, बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सर्मन टर्निंग ऑफ द व्हील एट सांची, सारनाथ, श्रावस्ती, बोधगया। यस, बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सर्मन टर्निंग ऑफ द व्हील्स नोन एज टर्निंग ऑफ द व्हील एट विच प्लेस, ठीक, एट विच प्लेस, सांची क्या? एट विच प्लेस, सर सांची सांची नहीं है, सर, ऑप्शन बी सरनाथ, कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है, नवम, ऑप्शन नाबम, ओ वेरी गुड, नाबम, सारनाथ गया है कोई? यस, लिखा भी नहीं, आप गए हो सारनाथ? सारनाथ गया है कोई? नहीं सारनाथ, सर, सारनाथ इज इन नियर टू वाराणसी, ठीक है, ये कहाँ पे, वाराणसी में है, दैट इज 20 या 8 किलोमीटर फ्रॉम वाराणसी, 8 to 9 किलोमीटर, तो सारनाथ, ठीक है, वहां से फिर बिहार का बॉर्डर लग जाता है, आगे उधर से निकलेंगे गोरखपुर बिहार लग जाता है, तो सारनाथ इज द करेक्ट आंसर, जहां बुद्धा ने पहला सर्मन डिलीवर किया था, ठीक। नेक्स्ट देखो, वेयर इज लुम्बिनी द बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा इज लोकेटेड, ठीक है, अभी अभी मैंने बता दिया इसको पहले, यस, ये तो बहुत सिंपल सा है ना, ये पूछना नहीं चाहिए, हिंट बनाना नहीं चाहिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, वेयर इज लुम्बिनी द बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा इज लोकेटेड, वेयर इज लुम्बिनी द बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा इज लोकेटेड, नेपाल, ए बिहार, भूटान, नेपाल, बिहार, भूटान, सिक्किम, यस करेक्ट आंसर नेपाल सर, नेपाल, ठीक सर है, नेपाल, नेपाल, हाँ, कौन बोला है ना, याद रखना ना, नेपाल। देखिए, जो बिल्कुल सिंपल आंसर है वो तो गलत होने ही नहीं चाहिए, एक आध मान लो कॉन्सेप्चुअल थोड़ा डिटेल में गलत हो जाएगा तो ठीक है, बट बिल्कुल जो सिंपल गलत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, द अर्लिएस्ट बुद्धिस्ट लिटरेचर विच डील्स विद दिस थ्योरी ऑफ द वेरियस बर्थ ऑफ द बुद्धा, ठीक है, स्टोरीज, बुद्धा की स्टोरीज के बारे में डील्स करता है, विनय पिटिका, पिकास लिखा है वैसे, पिटिका होना चाहिए, सुत्त पिटिका, अभिदम पिटिका, जकतास, ठीक है, पिटिकास मीन्स बताया था ना, कंपाइलेशन, वो कंपाइल कर रहा है, क्या बोलते हैं, कंपाइलेशन, कंपाइलेशन,
ये क्या है, द अर्लीस्ट बुद्धिस्ट लिटरेचर विद डील्स विद द स्टोरी ऑफ द वेरियस बर्थ ऑफ द बुद्धा, ठीक है, मतलब बुद्धा कहाँ पैदा, डिफरेंट पुनर्जन्म के बर्थ के बारे में बात करता है। तो कौन सी टेक्स्ट बात करता है, विनय पिटिका, सुत्त पिटिका, अभिदम पिटिका, जगतास? यस बोलिए, कौन बोलेगा? देखो TGT PGT में इससे ज्यादा, TGT PGT में इससे ज्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, इतना ही आप कर लो, सो दैट इज मोर देन सफिशियंट, ठीक है। किससे पूछा जाएगा? द करेक्ट आंसर इज यस। कौन बोलेगा बेटर? सर डी नहीं, हाँ भाई, जो मतलब पहले पढ़ के देख चुका है वो मत बोलो। लिखा भी नहीं आप बोलो, लिखा भी नहीं सर आप? डी नहीं, श्योर है? लॉक कर दें? हाँ लॉक कर दें, चलिए ठीक है। सो आपका आंसर करेक्ट है 100% दोनों लोगों का, जगतास द करेक्ट आंसर, ठीक, जगतास, ठीक है। पाली एंड संस्कृत में बर्थ के बारे में लिखा है, एक्सट्रीमली स्टोरी ऑफ द फॉर्मल लाइफ ऑफ द बुद्धा, बुद्धा की पुनर्जन्म की लाइफ के बारे, विच आर प्रिजर्व इन द ब्रांचेस ऑफ बुद्धिज्म, सम जगतास टेल्स आर स्कैटर्ड इन वेरियस सेक्शंस ऑफ द पाली कैनन, बुद्धिस्ट राइटिंग इंक्लूडिंग द ग्रुप ऑफ 35 दे वर कलेक्टेड इन डिक्टेटिक पर्पस, ठीक है। तो जगतास में बुद्धा के पूर्ण जन्म, पिछले जन्म के बारे में लिखा है, पाली एंड संस्कृत में, ठीक है, पर ज्यादातर जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, लिटरेचर है, पाली लैंग्वेज में मिलता है। वेयर डिड दी बुद्धा अटेन पर निर्वाणा, पर निर्वाणा, पर निर्वाणा मीन्स की क्या, डेथ, डेथ कहाँ पे हुई थी? ए ए कुशीनगर, नगर, कुशीनगर, बी बी बोधगया, सर कुशीनगर, सी राज में, डी वैशाली, ठीक है। देखा मैंने, आप बोलिए। सर ए ये नहीं, इट इज कुशीनगर, कुशीनगर, कुशीनगर कहाँ पे है? कुशीनगर कहाँ पे है? यूपी में है यूपी, कि एमपी में है कि बिहार में है? यूपी यूपी, यूपी वेरी गुड, कुशीनगर इज इन यूपी यूपी यूपी, से ठीक है। आप देख लेना, जिसने थोड़ा सा गलती किया हो, कुशीनगर देखना, सर्च करना, कुशीनगर में परिनिर्वाण हुआ था बुद्धा, ठीक है। बुद्धा सीवियरली सिक हुए, इल हुए, फाइनली रीच टू द कुशीनगर वेयर ही ऑर्डेन्ड हिज लास्ट डिसाइपल एंड अटर्ड हिज लास्ट वर्ड ऑफ द संघा एंड अटेन्ड परिनिर्वाण इन 487 BC, यहाँ पे इनको परिनिर्वाण अटेन हुआ था 487 BC, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन, The monk who influenced the Ashoka to embrace Buddhism, ठीक है, ये जब हम अशोका की क्लास पढ़े थे तो भी वहां पे आपको बताए थे आपको, ठीक है, अगर आपको याद हो, अशोका को किसने बुद्धिज्म के लिए इन्फ्लुएंस किया था, कौन से मॉन्क ने अशोका को बुद्धिज्म के लिए इन्फ्लुएंस किया था? विष्णुगुप्ता, उपगुप्ता, ब्रह्मगुप्ता, बृहद्रथ? यस करेक्ट आंसर बोलिए, यस करेक्ट आंसर। ऑप्शन सर एक मिनट एक ऑप्शन मिनट एक मिनट, बी किससे पूछ, किससे पूछेंगे ना, मतलब स्टार्टिंग जी है, आप है ना भी, लिखा भी नहीं, आप बताइए। बेटर आप सर, बोलो। मैं तो बहुत लेट आ गया अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। इट इज द करेक्ट सर। आंसर बी इज, बी बी हाँ करेक्ट आंसर इज उपगुप्ता, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है आपका? उपगुप्ता है, करेक्ट आंसर इज उपगुप्ता, ठीक है। जब अशोका पढ़े थे तो वहां भी पढ़े थे, ठीक है। अब देखो इसके बारे में थोड़ा देखिए, ही वाज अ बुद्धिस्ट मॉन्क अकॉर्डिंग टू द सम स्टोरीज, ठीक है, संस्कृत तक अशोक वर्णा एंड हिज स्पिरिचुअल लीडर्स मौर्य एम्पायर अशोक एंड अशोक ने बहुत इन्फ्लुएंस किया था, अशोक का एक कह लीजिए एक तरीके से स्पिरिचुअल लीडर था, उसके बाद ही अशोक ने बुद्धिस्ट इसको अपना लिया था, ठीक है। मेंशन द प्लेस, मेंशन द प्लेस वेयर बुद्धा अटेंड अ एनलाइटमेंट, ठीक है, ठीक है। मेंशन द प्लेस वेयर बुद्धा अटेंड द एनलाइटमेंट, यस प्लीज। सारनाथ, सारनाथ, बोध गया, कपिल वस्तु, राजगृह, यस कौन सा जगह है जहां पे बुद्धा को एनलाइटमेंट मिला था? यस प्लीज, सर बोध गया, बोध गया, कौन बोला है? हाँ सर बोध गया, बोध गया, ठीक है, सब सब सबको मालूम है ना, ये तो सिंपल आंसर है ना, सिंपल क्वेश्चन है, सॉरी, दिस इज करेक्ट आंसर इज बोध गया, ठीक है, ठीक है। लास्ट, अब लास्ट देखो, ये कौन आंसर करेगा, मैं पूछूंगा, इन विच स्टेट द बुद्धिस्ट साइट ताबो मॉन्स्ट्री इज लोकेटेड, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश,
सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। सर हिमाचल प्रदेश। कि उत्तराखंड है, लिखा भी नहीं आप बिटर। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल, हिमाचल बिटर। यस सर हिमाचल प्रदेश। लिखा भी नहीं, आप क्या बोला? सर डी होना चाहिए। डी होना चाहिए, होना चाहिए, सब लोग बोल रहे हैं तो चलो डी, हम डी बोल देते हैं। चलो हिमाचल प्रदेश द करेक्ट आंसर, बिकॉज ये दो तो आपको मालूम है ना, अरुणाचल में तो है ही नहीं, सिक्किम में भी नहीं, उत्तराखंड और हिमाचल में हो सकता है, तो 50-50 हो गया है ना, है तो हिमाचल में ही ज्यादा बुद्धिस्ट है दाबो मॉस्टी लोकेटेड। ठीक, ये देखो ऑफन रेफर्ड एज अजंता ऑफ हिमालयस, रेफर्ड अजंता ऑफ हिमालयस, दाबो मॉस्टी सिचुएटेड इन 10,000 feet में, ठीक है 10,007 feet में, एट लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का जो डिस्ट्रिक्ट है लाहौल और स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज सेंटर इन ट्रांस हिमालयन रेंज। ठीक है, अगर आप फिजियोग्राफी में पढ़े होगा हिमालय रेंज के बारे में, तो उधर पे ये लोकेटेड है, ट्रांस हिमालयन रेंज में या हिमाचल प्रदेश में ये जगह लोकेटेड है। ठीक है, सो बाई दिस वी आर कंक्लूडिंग अवर सेशन, कि अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग